स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम एक ऐसा मंच है जहां समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले महानुभावों से आपकी मुलाकात कराते हैं, उनके अनुभवों से आपको अवगत कराते हैं। आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे टूरिज्म की, यानी पर्यटन की। इसे आप धार्मिक स्थलों से भी जोड़ सकते हैं कि भारत का जो दर्शन शास्त्र है वो बहुत विशाल है। देश के कोने कोने में, यहां तक कि सीमांत क्षेत्रों में भी धार्मिक स्थल है और जहां लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है पूर्व निगम पार्षद और धर्म यात्रा संघ के राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र बिंदल जी। बिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिंदल जी, आपका पूरा जो अब तक का कर्म क्षेत्र रहा है वो तीर्थाटन से जुड़ा हुआ है, इसके उद्देश्य और लक्ष्य क्या है? तीर्थाटन भारत में, भारत अगर विश्व गुरु रहा है तो अध्यात्म और योग के क्षेत्र में रहा है, और अध्यात्म भगवान राम जी के समय से आप देखो, पर्यटन तीर्थाटन आप मानो जी, भगवान राम अयोध्या से चले और जनकपुर तक गए, श्रीलंका तक उन्होंने युद्ध किया, तो पूरे भारत में उन्होंने आदिवासियों, गिरिवासियों, वनवासियों को जोड़ा जी, और एक राष्ट्रीय एकता स्थापित की। उसके बाद आप पांडव काल में आओ जी, पांडवों ने 11-12 वर्ष तक वनों में घूमकर आदिवासियों को, गिरिवासियों को, हिडिंबा से भीम का संबंध हुआ और घटोत्कच पैदा हुए। उसके बाद शंकराचार्य का समालो, शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों पर चार धाम की स्थापना की, और वहां पुजारी उत्तर भारत में दक्षिण में, दक्षिण के और दक्षिण भारत में उत्तर के पुजारी रखे, ताकि भारत में राष्ट्रीय एकता स्थापित हो सके जी। और उसके बाद भी अनेक राजा, चाहे उसमें अहिल्याबाई होलकर हो, सम्राट अशोक हो, अनेक राजाओं ने भारत में तीर्थों की स्थापना की, तीर्थाटन को बढ़ावा दिया। तो भारत में आप जाओगे, क्योंकि मुझे सौभाग्य मिला है धर्म यात्रा महासंघ के नाते पांचों कैलाश, पांचों केदार, पांचों बद्री, स्वर्गारोहण और त्वांग तक की यात्रा मैंने की है जी, आदि कैलाश, बहुत यात्राएं करने से एक अनुभव मिला कि जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तीर्थाटन नहीं करेंगे, हम अगर तीर्थ पे निकलते हैं, वहां सीमांत क्षेत्रों में हमारे सैनिक रहते हैं, आप भारत की सुरक्षा सैनिक बर्फ में पड़े रहते हैं, दिन रात वो हमारी सेवा करते हैं ताकि हम आराम से यहाँ चैन से सो सकें। अगर हम तीर्थाटन पे निकलते हैं और उन सैनिकों से मिलते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है। वहां जो आदिवासी, गिरिवासी लोग रहते हैं, वनवासी लोग रहते हैं, उनसे हम संपर्क करते हैं तो उनके अंदर राष्ट्रीय भावना जागती है। तो बिंदल जी, जैसे लेह का क्षेत्र रहा है वो एक तरह से भारत से कई बार 6 माह के करीब कटा हुआ रहता है, इस तरह से वहां के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए आप जिसे तीर्थाटन कहते हैं, हम उसे पर्यटन या टूरिज्म कहते हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है कि जो समाज के अलग हट के दूर रह रहे समाज के लोग हैं उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए? आपने लेह का जिक्र किया, लेह चीन के नजदीक पड़ता है, वहां के शहरों के नाम, वहां के लोगों के नाम चीन से मिलते जुलते हैं। अगर आप सिंधु दर्शन यात्रा, जब से हमने शुरू की सिंधु दर्शन यात्रा, माननीय आडवाणी जी ने प्रारंभ करवाई थी जी, उसके बाद सरकार हमारी चली गई, सरकार जाने के बाद सरकार ने, नई सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो 2006 में माननीय इंद्रेश जी ने इसे पुनः शुरू किया सिंधु दर्शन यात्रा। वहां के लोगों को यह लगता ही नहीं था कि हम भारत के अंग हैं, जब से सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हुई है तो वहां के लेह और लद्दाख के निवासियों के भारत के प्रति आत्मीयता जगी है, भारत के लोगों को लेह लद्दाख से अपनापन हुआ है और वहां तीर्थाटन बढ़ा है, वहां के लोगों को रोजगार मिला है और इससे राष्ट्रीय एकता की भावना भी आई। अच्छा, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि पर्यटन को राष्ट्रवाद से किस तरह जोड़ा जा सकता है? पर्यटन, क्योंकि आप देखोगे आज अनेक स्टेट अपने क्षेत्रीय मांगे उठा रही हैं, मराठा आंदोलन चल रहा है, मीना आंदोलन चल रहा है, गुजर आंदोलन चल रहा है, हरियाणा में जाट आंदोलन चल रहा है। जब तक आप अपने स्टेट से बाहर निकलकर सारे देश को एक राष्ट्र के रूप में नहीं मानोगे तो राष्ट्रवाद नहीं आएगा। इसलिए तीर्थाटन, अब आप उत्तर से दक्षिण में जाओगे, दक्षिण से उत्तर में जाओगे, पूरे देश का भ्रमण करोगे, आपके अंदर राष्ट्रीय भावना जागेगी और आपके देश के प्रति समर्पण भी जागेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र बिंदल जी। तो दर्शकों, जो पर्यटन है चाहे वो एक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित हो चुका है, लेकिन इसे हम एक देशभक्ति से जोड़कर, यानी कि देशभक्ति को के लिए एक अलख जगाने के लिए भी हम इसका एक बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिंदल जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे ब्रेक लेने का, जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय शहीद चेतना स्मृति के रविचंद्र गुप्ता जी ने गुमनाम शहीद, यानी कि जिनसे लोग अब तक परिचित नहीं थे, अपने जीवन काल में उन्होंने स्कूल के बच्चों को उन शहीदों की जीवन से,
उनकी गाथाओं से, उनके शौर्य से परिचित करवाया। आज उसी संस्था से जुड़े हुए प्रेम शुक्ला जी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब रविचंद्र गुप्ता जी के सम्मान में सड़क का मार्ग का नामकरण किया गया, इसके बारे में हमें बताइए। पूज्य गुरु स्वर्गीय रविचंद्र गुप्ता जी ने बाल शहीदों के बारे में पूरे समाज से परिचय कराया, गुमनाम शहीदों के चित्र बनवाए, अपने रक्त से भी उन्होंने चित्र बनवाए और कई जगह संग्रहालय बनाए साधु रितम्भरा जी के यहाँ। और उसी काम को सम्मानित करते हुए जहाँ वो रहते थे शिवालिक अपार्टमेंट में, उस सड़क का नाम रविचंद्र गुप्ता मार्ग रखा गया, जिसके लिए प्रयास किया लोकप्रिय पार्षद नीरज गुप्ता जी ने और समिति शहीद स्मृति चेतना समिति ने प्रयास किया और मुझे वो अपना उत्तराधिकारी बना गए। आज मैं संस्थापक सदस्य के रूप में उस समिति को आगे बढ़ा रहा हूँ और भारतवर्ष में समिति के संग्रहालय बन रहे हैं, चित्र बन रहे हैं, प्रदर्शनियाँ लग रही हैं, बच्चों में प्रतियोगिताएँ की जा रही हैं, अनाथ बच्चों को सहायता दी जा रही है और जिन बच्चों के अंदर राष्ट्रीय मूल्य है उन बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, उनमें चेतना जगाई जा रही है और फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को पढ़ाने का भी संस्था काम कर रही है। इस तरह के अनेक कार्यों करते हुए उनको हम उनकी स्मृति को, उनके कार्यों को आगे बढ़ा रहे। तो प्रेम शुक्ला जी ने राष्ट्रीय शहीद चेतना समिति के संस्थापक अध्यक्ष रविचंद्र गुप्ता जी के नाम पर सड़क का नामकरण करने के बारे में बताया। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है, आने वाली पीढ़ियाँ जब उस मार्ग से गुजरेंगी तो निश्चित रूप से उन्हें रविचंद्र गुप्ता की याद आएगी, उनके कार्यों की याद आएगी। प्रेम शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे हल्की सी ब्रेक लेने का, जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत पिछले दिनों स्कूली छात्रों के पदयात्रा का आयोजन किया गया। स्कूली छात्रों की यह पदयात्रा इंडिया गेट से शुरू हुई और नेशनल म्यूजियम जनपथ पर समाप्त हुई। इस अवसर पर राष्ट्रीय संग्रहालय ऑडिटोरियम में विभिन्न कार्यक्रमों के संयोजकों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि आदेश गुप्ता, महापौर उत्तरी दिल्ली और रिटायर्ड ब्रिगेडियर राज बहादुर शर्मा रहे। इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के चेयरमैन रामशरण गौड़ और निदेशक डॉक्टर आलोक शर्मा भी उपस्थित रहे। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। Thank you.
पब्लिक लाइब्रेरी के माध्यम से स्वच्छता के लिए देश में संदेश जाए, इसलिए कई स्कूल और कॉलेज के बच्चों के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया। बहुत सफलतम इस रैली को बनाया गया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी से जुड़े रामचरण गौर साहब, महेश शर्मा जी और लोकेश शर्मा जी, इस व्यवस्था से जुड़े अन्य सभी पदाधिकारी आए हुए यहाँ पर, सभी छात्र छात्राएं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो व्यक्तिगत भी है और सार्वजनिक भी है। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, पर हम सीमाएं बना लेते हैं कि घर की दीवारें ही हमारी घर की सीमाएं हैं, तो जो भी घर का कूड़ा होता है हम बाहर फेंक देते हैं। अगर घर के साथ साथ हम हर घर ये तय कर ले कि मेरे आसपास के 10 फुट का एरिया भी मेरा ही घर है, तो अपने आप भारत का हर शहर स्वच्छ हो जाएगा। दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड द्वारा आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित लाइब्रेरी बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर रामचरण गौर जी और लोकेश शर्मा जी, जनरल सेक्रेटरी नहीं महानिदेशक, और यहां उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रिगेडियर रिटायर्ड राज बहादुर शर्मा जी और दिल्ली के पूर्व महापौर आदरणीय श्री महेश शर्मा जी, जो विभिन्न संस्थाओं में लगातार सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं, आशीर्वाद देते रहते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन ये जो अभियान आज दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड ने प्रारंभ किया है और चल रहा है डॉक्टर रामचरण गौर जी के नेतृत्व में, मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया और इतनी संस्थाओं के लोग जुड़े। ये तो कार्यक्रम के संयोजक हैं, लेकिन इनके साथ भी
सैकड़ों लोग जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से जो आज जो परिवर्तन देश के अंदर दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहा है वो आप जैसी संस्थाओं के कारण दिखाई पड़ रहा है, आप जैसे जागरूक देशवासियों के देशभक्त लोगों के कारण दिखाई पड़ रहा है। मैं आपके सार्थक प्रयास को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ कि आप इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान पूरे देश के जन जन का अभियान बन रहा है और आगे बढ़ेगा। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार तिवारी जी जो सांसद हैं लोकसभा के दिल्ली के, वो नहीं पधार पाए किसी कारणवश, उसके लिए हम सभी से खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे प्रोग्राम का श्री आदेश गुप्ता जी जो दिल्ली के महापौर हैं उत्तरी दिल्ली नगर के, उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और अपने भाषण में सबको संबोधित किया और बताया कि स्वच्छ भारत का जो ये मिशन है मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो चलाया हुआ है, इसका महत्व किस तरीके से है और किस तरीके से वो देश को आगे बढ़ाने में देश की जनता को आह्वान करते हैं और किस तरीके से देश की जनता का सहयोग इस कार्यक्रम को आगे चलाने में जरूरी है, ये उन्होंने बताया। आज स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ने दिल्ली के कुछ स्कूलों महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की रैली निकाली। यह रैली मानसिंह रोड से राजपथ होती हुई राष्ट्रीय संग्रहालय तक गई, जिसमें स्वच्छता के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ कर के भाग लिया। इसमें लगभग 1200 विद्यार्थी थे। इसके बाद हमने पिछले 2 वर्ष से विशेष रूप से स्वच्छता अभियान चलाया है पूरे की पूरी दिल्ली में। उसमें हम लोगों ने महाविद्यालय विद्यालय शैक्षिक संस्थाओं का सहयोग लिया और जिन्होंने इसमें सहयोग दिया ऐसे कुछ लोगों को हमने संयोजक बनाया ताकि वहाँ से अधिक से अधिक लोगों को ये जो मोदी जी का संदेश है स्वच्छ भारत का, यह लोगों को जा सके और भारत स्वच्छ बने, स्वस्थ बने। इसके लिए आज हमने राष्ट्रीय संग्रहालय में उनके सम्मान में भी एक समारोह आयोजित किया। जो पुलवामा में जो दुर्घटना हुई है और जिसमें भारत के वीर शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके स्मरण में राष्ट्रगीत प्रस्तुत किए गए जिसको जगदीश भारद्वाज ने प्रस्तुत किया और सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा और राष्ट्र को एकजुट होने की, अपनी भेदभाव भूल करके छोटी मोटी बातों को भुलाएं और राष्ट्र के हित में राष्ट्रीय चेतना जागृत होनी चाहिए ताकि राष्ट्र का गौरव बढ़े, राष्ट्र की महिमा बढ़े। अब वक्त हो गया है आपको अलविदा कहने का। नए कार्यक्रम में नई शख्सियतों के साथ आपके सामने रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।